हेलो दोस्तों, तो आज मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्च का अचार। लाल मिर्च का अचार बनाएंगे आज हम। तो उसकी जैसे प्रोसेस होती है पूरी बनाने की, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो लोग मुझे फेसबुक में कमेंट करते हैं कि तेरा सिर्फ खाना बनाने का काम है, तू सिर्फ खाना ही बनाया कर, वीडियो तेरे बस की बात नहीं है, तो उनके लिए मैं ये लाल मिर्च का अचार बना रही हूँ। क्योंकि उनको मेरी वीडियो को देख के ज़्यादा ही मिर्ची लग रही है ना, तो मैं मिर्ची उन्हें और खिलाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं ये अचार उन्हीं के लिए बना रही हूँ। तो आप सब लोग देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करते हैं उनके लिए थैंक यू। तो वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मिर्च का अचार। तो उसके लिए हमने ली है आधा किलो मिर्ची, और ये हमने अच्छे से सुखा ली है, 2 दिन सुखाई मैंने इसे। ये देखो डंठल भी सूख गए हैं। तो फिर उसके बाद जो मैंने ले रखा मसाला, वो अमचूर पाउडर, और ये है मेथी दाना, ये सौंफ, ये है राई और हींग और कलौंजी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है काला नमक थोड़ा जो डालेंगे, हल्दी, नमक। तो ये है सारा मसाला और मिर्ची। बाकी मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ वीडियो में कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो वीडियो को आप एंड तक देखें। तो सबसे पहले हम एक ले लेंगे पैन साफ धुला हुआ, और इसमें हम इसे ऑन करेंगे। और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा हल्का, तो हमें इसमें डालनी है सौंफ, और इसे हमें हल्का ही भूनना है, ज़्यादा हमें इसे जलाना वलाना नहीं है। इस टाइम पे हमें इसमें डालना है मेथी दाना। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हमें हल्का ही रखना है। तो अब हम इसे कर लेंगे बंद। तो हमें 2 मिनट इसे ही करना है सिर्फ ड्राई रोस्ट, ज़्यादा हमें इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आगे मैं दिखाती हूँ। इसे हम किसी चीज़ में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने इसलिए कम लिया था क्योंकि मेरा मिक्स मसाला भी पहले से मैंने बना के रखा था पिछले बार का, तो ये पड़ा है, तो मैंने इसमें ही सारी चीज़ें डाल रखी हैं, देखो, इसलिए मैंने उसे कम बना रखा अभी। बाकी इसमें से कुछ चीज़ें लेती हूँ, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और घर का अचार यानी घर के मसालों से ही मैं बना रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मार्केट से मैं इसमें ला के नहीं डालूँगी। तो जो बनना है वो सामने ही बनना है, यही मैं चीज़ें डालूँगी, कोई एक्स्ट्रा मसाला मैं कुछ भी नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि मुझे घर का ही मसाला अच्छा लगता है। मार्केट में कुछ एक्स्ट्रा मसाला डाल के रखते हैं वो लोग, मुझे तो नहीं पसंद आता है, इसलिए मैं घर पर ही बनाती हूँ। तो देखो मैंने ये भी कर दिया है, बाकी मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगी इसको भी, वो जो कलौंजी वो साइड करूँगी क्योंकि वो नहीं पीसूँगी, शायद फिर कड़वा ना हो जाए।
तो मसाले को तो अभी हमने ग्राइंड करने के लिए रख रखा है, साइड रख देते हैं। उससे पहले मिर्च को मैं, मिर्च जो मैं कट करके रखनी है वो आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स हम देखो ऐसे इनमें कट कर लेंगे, ये इस टाइप से हम कट कर लेंगे। तो सारी मिर्चों में हम ऐसे कट कर लेंगे इनको, और मसाला भी दिखाती हूँ आपको। सारी मिर्चों को मैंने कट करके रख लिया है। तो सब में मेरा कट लग चुका है दोस्तों, तो आगे की प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो ये मसाला मैंने ड्राई रख किया था वो इसमें ऐड कर लेते हैं। ये देखो मसाला मेरा बन चुका है, मिक्स कर लेंगे हम साइड। तो हमने सब बोल ले लिया, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जो ये हमने मसाला बना रखा था, ये डाल देंगे। इसको कर देंगे साइड। और फिर मैंने कुछ ये डालने की सोची है, जो ये खड़े मसाले हैं इसमें, ये भी मैं ऐड कर दूंगी इतने। और डालेंगे हम इसमें हींग, थोड़ी सी इसमें हम हींग भी ऐड करेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, प्लेन नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बाकी थोड़ा ज़्यादा भी चलता है अचार में तो। और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, एकदम से नमक ज़्यादा नहीं डालना है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालनी है सब चीज़ें। और बचा लास्ट में अमचूर पाउडर, वो भी हमें ऐड करना है इस पर। तो देखो हमने सब मसाले को इसमें ऐड कर लिया है जो पीसा था, और बाकी थोड़ा मैंने साबुत भी डाला है, वो अच्छा लगता है ना। तो फिर इसको हम पूरा मिक्स कर लेंगे, और गरम जो तेल है उसे ठंडा करके, गुनगुना हो जाता है ना, वो इसमें ऐड करेंगे। तो इसलिए अभी दिखाती हूँ। तो ये है गुनगुना सरसों का तेल, इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है अभी हमें, इस टाइप से करना है हमें। ये देखो सारा मसाला जो है मिक्स हो गया है इतना, थोड़ा सा हम और डाल देंगे इसमें, ताकि हमारे इसमें डालने के ठीक हो जाए। तो ये पूरा अचार का मिक्सचर बन चुका है देखो, और हम इसमें नमक भी इस टाइम पे टेस्ट कर सकते हैं, पर खैर जूठा करना नहीं होता है इसको खाने से पहले, पर नमक टेस्ट करने के लिए तो हमें करना पड़ सकता है ना, जैसे कि मैं करूँगी। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं इसमें नमक ऐड करूँगी थोड़ा सा भी।
इस टाइम पे नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर ज़्यादा तो शुरू में नहीं डालना है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा। कम हो जाएगा तो हम दोबारा डाल सकते हैं। तो अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, तो इसको अब हम मिर्च में से भर लेंगे। बहुत कम भी नहीं भरना और बहुत ज़्यादा भी नहीं, बाहर ना निकले और मिर्च में अच्छे से फिल भी हो जाए इस टाइप से। ऐसी सारी मिर्चों में डाल देना है अचार का मसाला जो है, और मिर्च को सूखा अच्छे से लेना, क्योंकि अगर मिर्च धूप में अच्छे से नहीं सूखेंगी तो फिर अचार ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए पहले धूप में अच्छे से सूखा लेना मिर्चों को, ताकि लंबे टाइम तक चले। बाकी मेरा तो थोड़ा ही बनना है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपने घर में भी बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरी सारी मिर्च में देखो मसाला अच्छे से भर चुका है, ये मसाला एकदम करेक्ट बनाया था मैंने, ये देखो बिल्कुल अच्छे से मैंने फिल कर दिया इनके अंदर। तो अब हमारा मैंने इसमें डाल दिया था ये अचार, एक साफ हम जार ले लेंगे, ये मैंने धो के रखा था कॉटन के कपड़े से, इसको सर पोंछ लेंगे एक बार, सूखा हुआ ही है, गीला नहीं होना चाहिए। फिर इसमें हम डाल देंगे मिर्च का अचार, हम इसे ऐसे पूरा भर देंगे। ये देखो ये बनके हमारा ऐसे तैयार हो जाएगा, और जो सरसों का तेल था वो भी हम डाल देंगे। तो इसको मैं ऐसे डाल दूंगी इस पर, तो ये हमारा अचार बन गया है, और इसे अब हम डाल देंगे धूप में कुछ दिन तक, फिर ये खाने लायक हो जाएगा। तो ये देखो दोस्तों मेरा मिर्च का अचार मैंने ऐसे घर पे घर के मसालों से बना दिया है, और अब इसे हम डाल देंगे धूप में थोड़े दिन के लिए, और फिर ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला अचार है, और बाहर की मैंने कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं की है, तो फिर आप भी ऐसे बना सकते घर पे। बाहर का अचार मुझे पसंद नहीं है, घर का ही पसंद है, तो मैंने मिर्ची का अचार बना दिया है, और कुछ दिन बाद ये हम पूरा अच्छे से बन जाएगा, तो इसे पराठे और दाल चावल किसी के साथ भी हम इसे खा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अचार बनाया, पसंद आए तो एक लाइक शेयर कमेंट करना, और वीडियो को मैं एंड कर दी यहीं पे। थैंक यू।